हेलो एक्यूरियस, वेलकम टू लवित यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि मार्च महीने के 3 से 15 तारीख के अंदर आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स, क्या क्या गाइडेंस आपको मिलने वाला है डिवाइन की तरफ से। एंड साथ में ही एंड में एक ट्विस्ट है, आपको जो भी प्यार करते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आपको दिए जाएंगे। एंड इसके दौरान उनके दिल के बहुत सारे बातें आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा इस बार। ओके, सो अगर आपकी राशि एक्यूरियस हैं यानी कि कुंभ राशि हैं, सो ये रीडिंग आपके लिए। ओके, एंड अभी आप लव लाइफ के साइड से चाहे किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, मतलब कि मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, नो मैटर, आप सभी के लिए है ये रीडिंग। आपको यहाँ पर हर एक तरीके का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। फर्स्ट यहाँ पर है 10 ऑफ वांड्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है द मून एंड यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइन, बॉटम द डेक को चेक कर लेते हैं। बॉटम द डेक में है द टावर। ओके, देखो मुझे यहाँ पर दिख रही है दो सिचुएशंस। फर्स्ट तो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कोई एक इंसान आपको लेकर बेहद ज़्यादा परेशान है, बहुत हद तक परेशान ऑलरेडी हो चुके हैं। उनके दिल में कुछ गलत फहमियाँ ऐसे बस गया है जिसको वो इंसान अभी सही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि कोई एक इंसान ऐसा है जो आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, बट आपके बारे में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा निगेटिव थाट्स रख रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ घूम रहे हो, आप उनको प्यार नहीं करते हो, आप उनके साथ ज़िंदगी भर रहना नहीं चाहते हो, आप उनको पसंद नहीं करते हो, ऐसे टाइप्स की बातें इनके दिमाग में चल रहे हैं। तो 3 से 15 तारीख के अंदर ये इंसान कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं आपके और उनके रिलेशनशिप को लेकर। क्या डिसीजन लेने वाले हैं वो तो रीडिंग करने के थ्रू पता लग जाएगा। सो चलिए देख लेते हैं रीडिंग को। देखो यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज हैं मैं आपको पहले बता देती हूँ। यहाँ पर फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस मुझे दिख रही हैं, कैंसर की एनर्जी अलग से दिख रही है, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस की एनर्जी है। ओके, सो फर्स्ट तो यहाँ पर मुझे 10 ऑफ वांड्स के थ्रू दिख रही है कि 3 से 10 तारीख के अंदर किसी इंसान के मन में बेहद ज़्यादा किसी को लेकर बोझ रहेगा। सो ये आपके साइड से भी हो सकता है या फिर किसी और के साइड से भी हो सकता है। एंड ये बोझ गलत फैमिली की वजह से ही क्रिएट होने वाला है। हालांकि ये बोझ 3 से 10 तारीख के अंदर मैक्सिमम लेवल पर जाएगा, बट 10 तारीख के बाद से चीज़ें नॉर्मल होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि किसी एक इंसान के मन से कुछ पर्दा हटने वाला है एंड जो भी डाउट था आपको लेकर वो धीरे धीरे से क्लियर होने वाला है। एंड साथ में और एक पॉसिबिलिटी भी बनती हुई दिखाई दे रही है आपको, आपकी लव लाइफ की तरफ देखने का, किसी को समझने का जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा कम मिलने वाला है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी साइड से बहुत हद तक बिजी होने वाले हो। आप इस टाइम पर बहुत सारे कामों को एक साथ हैंडल करने वाले हो। हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके कंधे के ऊपर आ जाए, या फिर कुछ काम इस टाइम पर आपको करियर से रिलेटेड खत्म करना पड़े, या फिर कोई एग्जाम हो आपका सामने, कुछ भी मुझे दिख रही है बट जो लव लाइफ से रिलेटेड नहीं है। तो जिसके वजह से आप इस टाइम पर अपने ही धुन में रहोगे, अपने काम को लेकर व्यस्त रहोगे। आप इस टाइम पर ना आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है या फिर आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन के सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे लोग हैं कि नहीं जो उनके कान में कुछ गलत मशवरा दे रहे हैं, आपके अगेंस्ट कुछ गलत बातें उनको समझा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको देखने का एकदम से टाइम नहीं मिलेगा, जिसका फायदा कोई थर्ड पार्टी उठाने वाला है। तो ऐसे में आप जिनको प्यार करते हो, पसंद करते हो, उनके साथ आपका थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स बन सकता है, या फिर थोड़ा सा झगड़ा वगैरह छोटा मोटा हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से आप भी थोड़ा सा आइसोलेशन फेस करने वाले हो एंड वो इंसान भी थोड़ा सा आइसोलेशन फेस करने वाले हैं। आप दोनों का हालत सेम ही होता हुआ दिख रहा है, बट एक्चुअल में आप दोनों का कोई गलती नहीं रहेगा। ओके, सिचुएशन का गलती रहेगा, थर्ड पार्टी का गलती रहेगा, बट ये सिचुएशन ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। ओके, इस टाइम पर कोई एक इंसान डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आएंगे। मतलब कि ये इंसान जो है ये आपसे एज में बड़े दिख रहे हैं मुझे। ये कोई भी हो सकता है, आपके कोई दोस्त हो सकता है, आपके फैमिली के कोई मेंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट दिख रही है मुझे आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग इस टाइम पर क्रिएट होगा ना उस चीज़ को सॉल्व कर देंगे। हो सकता है आपको इस टाइम पर कुछ समझा कर उनके पास भेज दे, या फिर उनको उनके फैमिली के लोग कुछ समझा कर आपके पास भेज दे, कुछ भी हो सकता है, बट कोई एक थर्ड पार्टी यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप को ना सही करते हुए दिख रहे हैं एंड ये चीज़ ना डिवाइन भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कोई एक इंसान आपको सोचकर ना रात जागने वाले हैं, वो इंसान देर रात तक आपके बारे में सोचने वाले हैं, क्या किया जाए, कैसे चीज़ों को सॉल्व किया जाए, कैसे प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जाए, ये इन सब चीज़ों के बारे में ना कोई एक इंसान बहुत देर रात तक सोचते हुए दिख रहे हैं, हेवी फील करते हुए दिख रहे हैं। इनको फर्स्ट लगेगा कि मूव ऑन करना बेहतर है,
अभी कुछ दिनों के लिए आपसे मिलना जुलना बंद रखना या फिर बातें करना बंद रखना सही होगा, बट ये चीज़ इनके सोचने तक ही खत्म होती हुई दिख रही है। ये ऐसा करने नहीं वाले हैं। सो आप जिनको प्यार करते हो, पसंद करते हो, उनके साथ आपका रिलेशन जो है वो हीलिंग की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा आपको। काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि 9 तारीख के बाद कोई इंसान आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं। इस टाइम पर रीयूनियन का चांस बहुत हाई रहेगा। तो देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं 3 से 15 के लिए, मार्च महीने के लिए। एंड यहाँ पर और एक चीज़ दिख रही है कि कोई एक इंसान ना आपको इस टाइम पर लव लेटर दे सकते हैं या फिर कुछ मैसेजेस आपको सेंड कर सकते हैं कि उनके दिल में अभी क्या चल रहा है आपको लेकर। ओके, ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पर है किंग ऑफ वांड्स। ओके, डिवाइन आपको इस टाइम पर अपने प्यार को लेकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहने के लिए बोल रहे हैं। किसी की भी बातों में आकर, किसी की भी बातें सुनकर आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, अपने प्यार के ऊपर विश्वास रखना है, खुद के ऊपर विश्वास रखना है। फाइन, आपका जो दिल कहता है आप उस चीज़ को सुनिए। एंड इस टाइम पर दिख रही है मुझे कि आपका जो पर्सनालिटी होगा ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग होने वाला है, जिसकी वजह से ही आपके जो पर्सन है जिनको आप प्यार करते हो वो इंसान फिजिकली ज़्यादा देर तक आपसे दूर नहीं रह पाएगा। ये डिवाइन की तरफ से एक गाइडेंस है। एंड यहाँ पर 8 of Swords है। फाइन, देखो किसी भी सिचुएशन में आपको इस टाइम पर खुद को विक्टिम नहीं मानना है, मतलब कि हमेशा आपके साथ ही बुरा हो रहा है या फिर चीज़ों में जस्ट आप ही फंसते जा रहे हो जिसकी वजह से आप अपने चारी ओर एक ब्लॉकेजिंग सिचुएशन क्रिएट कर लो, किसी को ब्लॉक कर दो या फिर किसी से मिलने जाना बंद कर दो, बातें बंद कर दो। तो ऐसा टाइप्स के जो बिहेवियर है ना ये आपको शो नहीं करना है। आपको इस टाइम पर जितना हो सके नॉर्मल रहना है, ओपन माइंडेड रहना है। फाइन, आपको ही तकलीफ हो रहा है, अगर आप ऐसा सोचते रहोगे तो आप अपने पर्सन की जो तकलीफ है ना वो देख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। हालांकि वो इंसान भी इस टाइम पर आपके तरह ही तड़पने वाले हैं। ओके, तो यही डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है। एंड देख लेते हैं जो आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उनके तरफ से 3 से 15 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो पॉजिटिव रहें, ये इंसान कोई भी हो सकते हैं, देख लेते हैं। अगर आपके कोई क्रश भी हैं तो भी उनके तरफ से भी मैसेज चला आ सकता है। सो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आपको मैसेज मिलते ही आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली कौन है वो इंसान। तो देखो यहाँ पर 3 मैसेजेस मैंने ले लिए हैं। फर्स्ट मैसेजेस यहाँ पर आया है, दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नज़र से ही यारा। ओके, तो किसी एक इंसान के दिल में आप बहुत सॉलिड तरीके से बस चुके हो। एंड ये इंसान आपको जब पहली बार देखे थे तब से ही इनके दिल में आप जस्ट छप चुके हो। ये इंसान आपके अलावा कुछ देखते भी नहीं है एंड कुछ सोचते भी नहीं है, हर वक्त आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। बहुत कुछ कहना है तुमसे जो अभी तक कह नहीं पाई। तो ये इंसान आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत सी बातें इनके दिल में अभी चल रहे हैं जो आपको ये बताना चाहते हैं। आप इस सॉन्ग को ज़रा सा सर्च करके सुन लेना, सॉन्ग में आपको बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मिल जाएंगे जो वो इंसान आपको डायरेक्टली आकर दे नहीं पा रहे हैं। सो डेफिनेटली ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। एंड यहाँ पर है नाराज़ की, चाहे कितना भी क्यों ना हो तुमसे, तुम्हें छोड़ देने का ख्याल हम आज भी नहीं रखते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैसेजेस के साथ कार्ड्स पे रिलेट कर रहे हैं, आप देख सकते हो। तो ये जो भी इंसान है आपके साथ कितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग इस टाइम पर क्रिएट क्यों ना हो जाए, ये इंसान आपको छोड़ देंगे, ऐसा तो आप सोचना भी मत। एंड यहाँ पर है, लोग अक्सर पूछते हैं मेरे खुशियों का राज, इजाज़त हो तो आपका नाम बता दूँ। तो ये इंसान पूरी तरीके से आपको प्यार करते हैं, पूरी तरीके से अपना दिल आपको दे चुके हैं एंड आपको अपना मान चुके हैं। अभी ये इंसान कुछ भी कहे, कुछ भी करे, बट आपको अपने लाइफ से दूर कर देंगे। इस चीज़ को ना ये इंसान प्रैक्टिकली कभी नहीं सोच पाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि इस इंसान का खुशी, हंसी, नाराज़गी सब कुछ आपसे है, सब कुछ। ओके, तो डेफिनेटली आप दोनों का प्यार सच्चा है गाइस, मुझे दिख रही है। सो थैंक यू एक्वेरियस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।